हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार, आप देख रहे हैं एजुकेशनल एम्पायर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी क्लासेस में एम्पावर योरसेल्फ फाउंडेशन सीरीज का वीडियो नंबर 6 होगा। यदि पहले 5 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर मिल जाएंगे, आपको जाकर देख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ साथ कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये स्पेशली आपको प्रैक्टिस सेशन के रूप में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बनती चली जाएगी, और जितनी एक्यूरेसी आपकी बनेगी उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एम्पावर होता चला जाएगा। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है एम्पावर योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमेटी, डेवलप, रेफरेंस और बिगिनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अपने पिछले 2 मॉडल्स पेपर में भी हमने आपको बताया कि स्पेलिंग को सबसे अच्छा जो फाइंड करने का तरीका है वो है कि आप स्पेलिंग को एक बार लिखकर चेक कर लीजिए। सबसे पहले कमेटी की स्पेलिंग चेक करते हैं, COMMI और TEE। देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर ही। और डेवलप की स्पेलिंग DEVLOP, डेवलप हो जाएगा। तो रेफरेंस की स्पेलिंग यदि हम देखेंगे REFERENCE, रेफरेंस की स्पेलिंग होती है REFERENCE। और यहाँ पर जो स्पेलिंग दी हुई है वो दी गई है REFERENCE। सो गाइस, जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेलिंग ऑफ रेफरेंस इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्पेलिंग विल बी REFERENCE, रेफरेंस। ठीक है, बिगिनिंग, बिगिन की स्पेलिंग BEGIN, लेकिन जब हम इसमें ING ऐड करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगी जो BEGIN, और N को फिर हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, बिगिनिंग, तो ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। धैर्य के साथ में एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। ऑप्शन नंबर 3 से ही हो जाएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जूम ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा किए देता हूँ जी। यस, अब आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज़ ऑफ डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिकेस। यानी जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके विषय में कोई न्यूज़ दी जाती है, स्पेशली किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल वगैरह में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटोरियल, इलस्ट्रेशन, फोरकास्ट, ओबिचुअरी। सो गाइस, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ ओबिचुअरी। और AK रामानुजन की एक बहुत अच्छी पोएम है ओबिचुअरी, और जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जब किसी की डेथ हो जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में उसके विषय में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम ओबिचुअरी। लिटरेरी टर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन होगा, सिनोनिम ऑफ एग्जॉर्साइज, एग्जॉर्साइज का सिनोनिम्स आपको बताना है। इज इट एक्सपेल, इन्वेंट, इंट्रोड्यूस, एक्सपेक्ट। सो गाइज, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, एक्सपेल। एग्जॉर्साइज का मीनिंग होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना, क्लियर। और एक्सपेल का मीनिंग भी होता है बाहर निकालना, क्लियर फ्रेंड्स। इन्वेंट का मीनिंग आपको पता ही होगा, किसी चीज़ का इन्वेंट करना, आविष्कार करना। इंट्रोड्यूस, किसी से अपना आपको इंट्रोड्यूस कराना, परिचय दिलवाना। और एक्सपेक्ट होता है किसी से आशा करना, किसी चीज़ की किसी भी फील्ड में कोई आशा करना होता है एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के ऑथर होंगे।
जेन ऑस्टिन, बर्नार्ड शॉ, वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्थी। सो गाइस, क्वालिटी इज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्थी, तो इसके राइटर हो जाएंगे जॉन गॉल्सवर्थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है, किस तरह से जाना जाता है? ए हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, बी मेटाफिजिकल पॉइंट्स और सी कवालियर पॉइंट्स, और इसी के साथ में ऑप्शन नंबर 4 यहां पर दिया गया है, एलिजाबेथन पॉइंट। सो अगर आपने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा गया है। और एक छोटा सा सवाल हमने अपनी पिछली वीडियो में इंक्लूड भी किया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और विद क्वेश्चन नंबर करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आंसर आएगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉन एज द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। सो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ डिफाइल। एंटोनिम ऑफ डिफाइल, डिफाइल डी ई एफ आई एल ई, डिफाइल का मीनिंग आपको बताना है। रेगुलराइज, लेवर और पर्टिकुलराइज और प्योरीफाई। सो गाइज देखिए, डिफाइल का जो मीनिंग होता दोस्तों, डिफाइल का मीनिंग हो जाएगा किसी भी पदार्थ को, वस्तु को गंदा करना, गंदा करना कह सकते हैं, या कह सकते हैं दूषित करना। क्लियर फ्रेंड्स, गंदा करना या दूषित करना। और वहीं पर जो प्योरीफाई का मीनिंग होता वो होता किसी भी चीज़ को शुद्ध करना। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, डिफाइल मीन्स किसी भी चीज़ को गंदा करना या दूषित करना, और प्योरीफाई मीन्स होता किसी भी चीज़ को शुद्ध करना, अच्छा करना, साफ करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइल का एंटोनिम प्योरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपी टीजीटी या पीजीटी एग्जाम क्रॉस करना चाह रहे हैं तो आप स्पेलिंग को किसी भी नज़रिए से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख लीजिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपसे स्पेलिंग के हर बार पूछे जाते हैं, तो स्पेलिंग आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसलिए हम अपने मॉक टेस्ट में स्पेशली जो स्पेलिंग पोर्शन है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लोकासिटी, एथीस्ट, इंटरप्रिट और एफ्लुएंस। सो गाइस, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एथीस्ट। देखिए एथीस्ट की स्पेलिंग को यदि हम लिखते हैं तो लिखने से ही हमको पता चल जाएगा, ATHEIST, एथीस्ट, ATHEIST, और यहाँ पर क्या है, ATHIEST। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ई आई होगा, तो ATHEIST, एथीस्ट बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ स्क्वालिड, स्क्वालिड का एंटोनिम आपको बताना है। सो गाइस, स्क्वालिड मीन्स भी होता है दूषित करना। स्क्वालिड मीन्स भी होता है दूषित करना, और इसका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा तो वो डिसऑर्डरली और अनकंफर्टेबल, क्लीन और पेनफुल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका दोस्तों सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, क्लीन। क्लीन मीन्स किसी चीज़ को साफ करना। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से आपको
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, यानी तीन करेक्ट स्पेलिंग है और एक इनकरेक्ट है, तो उस इनकरेक्ट स्पेलिंग को आपको बताना है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन जो है बिल्कुल ठीक है। टर्मेंडियस, टर्मेंडियस भी सही है, और परसिस्टेंट भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है आपकी। तो करेक्ट स्पेलिंग जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगा प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन की स्पेलिंग होती है पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे वर्ड। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट छोटा करके लिख के दिखाता हूँ। पी आर ओ यू एन, सॉरी फ्रेंड्स, पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन, प्रोनंसिएशन। देखिए प्रोनाउन में एन के बाद में ओ आता है, लेकिन जब हम प्रोनंसिएशन लिखेंगे तो उसमें ओ को हटा दिया जाता है, इसलिए करेक्ट स्पेलिंग जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो हो जाएगी प्रोनंसिएशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन होगा हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इट इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड उनकी एक पोयम होगी द रेनबो। द रेनबो, वहां पर इन्होंने इसका मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन। व्हेन वी मेट फर्स्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट डैश डैश द आइस। तो जब हम पहली बार मिले तो कुछ डिफिकल्ट था आइस से संबंधित, स्मैश ब्रश ब्रेक एंड यस नाउ स्मैश ब्रश ब्रेक और शटर। तो जब हम पहली बार मिले तो आइस को क्या करना डिफिकल्ट था, स्मैश करना कठिन था, ब्रश करना कठिन था, ब्रेक करना कठिन था और शटर करना कठिन था। तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेक। और दोस्तों ब्रेक द आइस का मीनिंग होता है ब्रेक द साइलेंस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस। तो जब हम पहली बार मिले तो ये बहुत मुश्किल था कि जो हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, मतलब दोनों अपने आप में चुप थे, तो उस चुप्पी को तोड़ना, उस खामोशी को तोड़ना बड़ा कठिन काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु सेड पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोइट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। सो ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी कॉलेज, सी बायरन एंड डी एरिस्टोटल। सो गाइज करेक्ट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ। कहाँ कहा था, द रेनबो में। 14 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है, और ये अब चार ऑप्शन आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे। जी अभी भी नजर आ रहे हैं ना। हाँ तो ए एफर्वेसेंट, बी अनऑर्गेनाइज्ड, सी इफिशियंट एंड डी स्केलेबल। सो गाइज यदि हम तीनों स्पेलिंग को देखें, एफर्वेसेंट तो ये स्पेलिंग ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ये भी स्पेलिंग ठीक है, और इफिशियंट की स्पेलिंग भी ठीक है। जब हम स्केल की स्पेलिंग लिखते हैं तो एस सी ए एल ई, इसमें ई आता है, लेकिन जब हम इसमें एबल को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एस सी ए एल ए बी एल ई। ये ई को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्लियर। सो
एफर्वेसेंट, अनऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट, तीनों स्पेलिंग जो है करेक्ट हो जाएंगी और ये स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होगी SCALABLE, स्केल एवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सही ऑप्शन में आपको सही क्वेश्चन का सही ऑप्शन पैसिव वॉइस के रूप में फाइंड करना है। हिज फ्रेंड अरेंज्ड फॉर द एम्बुलेंस एंड टुक हिम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, यानी उसके दोस्त ने उसके लिए मतलब तुरंत एक एम्बुलेंस का अरेंज किया और तुरंत उसको जो है हॉस्पिटल लेकर चला गया। तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से होंगे हिज फ्रेंड्स। अभी यहाँ से सिर्फ आप ये देखिए, ये अरेंज आया हुआ है और अरेंज यानी कि ये वीकी टू, और वीकी टू फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आती है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस वाज या वेयर का प्रयोग हम करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। तो सिंपली हमको देखना है कि वाज या वर्क कहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, ये एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, ये एम्बुलेंस आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आना है, ठीक। तो इसके साथ में आप केवल वाज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है वुड तो ये नहीं होगा, यहाँ पर दिया गया है वेयर ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, सीधा सीधा लिख दिया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द एम्बुलेंस वाज अरेंज फॉर बाय हिज फ्रेंड्स एंड ही वाज इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल। अरेंज के साथ में फोर प्रीपोजिशन पहले से लगा हुआ है, तो अगर किसी वर्ड के साथ में कोई प्रीपोजिशन ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो एज इट इज लगा रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चार्ट, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल आप देख सकते हैं, वीकी टू और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये था एक्टिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस में इसकी बात करेंगे तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, वाज या वर अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के, और वी की थर्ड फॉर्म। तो आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विलियम वर्सवर्थ टिंटन एबी इज, विलियम वर्सवर्थ का टिंटन एबी है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक एपिक, ड्रामेटिक लिरिक एंड बोथ ए एंड बी। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमेशा डिस्प्यूट का जो केंद्र रहता है, कुछ इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग मानते हैं तो कुछ इसको ड्रामेटिक लिरिक मानते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को दोनों ही श्रेणी में रखा गया है। इस जो पोयम है टिंटन एबे के अंदर कुछ जो क्वालिटी है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की मिलती हैं और कुछ क्वालिटी जो है इसमें ड्रामेटिक लिरिक की मिलती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड बी, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है और ड्रामेटिक लिरिक भी है, ए एंड सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एंड सी, इसको आप सी मानकर चलिए। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ए बैलाड ए लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड बट विथ एन एडिशन दैट एडवांस द स्टोरी इट इज कॉल्ड। एक बैलाड में लाइन और स्टैंजा को रिपीट किया जाता है लेकिन एक एडिशन फॉर्म में उसको रिपीट किया जाता है जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रेंशियल रिपीटेड और इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, जस्ट रिपीटेशन, नन ऑफ द अबव। सो गाइज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
डिफरेंशियल रिपीटेड इसको हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18। ए लाइन ऑफ वर्स दैट 6 आइम्बिक फीट और 12 सिलेबल आइम्बिक लाइन्स इज नॉन एज। एक लाइन होती है जिसमें 12 सिलेबल होते हैं और 6 आइम्बिक फीट होते हैं, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्राइन, स्पेंसरियन, चौसरियन और नन ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ द अबव। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको बोलेंगे हम अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इट इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन नाउन। एक वर्ड होगा जो नाउन के अतिरिक्त और भी कुछ, मतलब किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, तो वो क्या होगा? इज इट एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन? सो गाइस करेक्ट आंसर विल बी एडवर्ब। एंड एडवर्ब इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी एडवर्ब जो है वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए वो नाउन को भी मॉडिफाई करेगा, वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा और बाकी सभी चीज़ को वो मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो हियर इंटेलिजेंट इज, यहाँ पर इंटेलिजेंट होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, वाइज, ये सभी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। गुड, बैड, टाल और ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम, तो ये सभी जो वर्ड आते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई न्यू हर, मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स पिक द करेक्ट ऑप्शन इन पैसिव वॉइस। आई न्यू हर, वंस अगेन दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको बता दिया है, तो हर का हम सी बना देंगे, ठीक है। सी 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 यहाँ तक तो ठीक है सर, और न्यू है तो न्यू के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इज है और यहाँ पर इज है और यहाँ पर भी दोस्तों इज है, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है ऑप्शन नंबर 3, सी वाज नॉन टू मी। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी नो वर्ब आपका आएगा, नो वर्ब के साथ में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी 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 फेवरेट क्वेश्चन टू द एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जॉन गैल्सवर्थी रिफ्यूज नाइटहुड इन 1917, 1918, 1919 और 1916। यहाँ से चौथा ऑप्शन नीचे जा रहा है, देख लीजिए ये रहा, तो मैंने इसको यहीं पर लिख दिया है 1916। सो गाइस यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, और यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं भी पढ़ा है और अभी तक आप असमंजस में हैं कि 17 में उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, 18 में रिफ्यूज़ किया था, तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको 1917 में रिफ्यूज़ किया था। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल में आपको चेंज करना है। व्हाइल देयर इज ए लाइफ देयर इज ए होप, कि जब तक जिंदगी है, जब तक उम्मीद है, जब तक आशा है, कहते हैं जब तक सांस है जब तक आस है। सो गाइस सो लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स है। लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, ये हो सकता है 1%। अनटिल देयर इज होप देयर इज लाइफ, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज में, ठीक है।
एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा ये, एंड वेयर द लाइफ इज द होप इज देयर, और ये सेंटेंस हमारा सही बनता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल, ठीक है। ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गए दोनों, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, और इनसेपरेबल मतलब अलग नहीं किया जा सकता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुल फैथम फाइव दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फुल फैथम फाइव दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइटोटीस एलिट्रेशन एपिग्राम एपेस्ट्रॉप, एंड गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू एलिट्रेशन। और आज की वीडियो का लास्ट और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 25 होगा, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, कि हम पैराडाइज लॉस्ट को केवल एक टास्क के रूप में पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की कोई भी विश नहीं करता है। तो ये कथन किसका हो जाएगा पैराडाइज लॉस्ट के विषय में, बेन जॉनसन ने कहा था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था, रॉबर्ट ग्रीनी के द्वारा कहा गया था। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये कथन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का हो जाएगा, और इसी के साथ में हमारे 25 क्वेश्चन का जो है एंड हो जाता है। यदि आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट लिटरेचर नोट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, प्रिंटिंग मोड में मिलेगा, केवल लिटरेचर नोट्स है, ठीक है। तो आप यदि अच्छी बेटर अपनी लिटरेचर को करना चाहते हैं तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी गिविन नंबर। सो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, धन्यवाद।